ज्ञान वापी मंदिर है या मस्जिद, पिछले साल मिले कथित शिवलिंग का सच क्या है, जल्द इन सवालों का जवाब मिल सकता है। आज वाराणसी की अदालत में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, जिसकी कॉपी 21 दिसंबर को पक्षकारों को दी जाएगी। सुनवाई के बाद जजमेंट ये करेगा कि रिपोर्ट उसमें क्या होना चाहिए, और रिपोर्ट हम लोग का आपत्ति है कि इसको पब्लिकली होनी चाहिए, उनका अजमनी त्यागा प्रार्थना मत गलत दिए हैं, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट कुल 1500 पन्नों की है, जिसे जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सर्वे जमा कराया गया। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर श्रृंगार गौरी केस का भविष्य काफी टिका हुआ है। देश की सबसे बड़ी खबर की कवरेज के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे वाराणसी में ही मौजूद हैं। उन्होंने इस केस में पक्षकार महिलाओं से बात की। चाहते थे कि खुला जमा हो, खुलने से ये होता है कि पब्लिक प्लेस में आ जाएगा कि क्या उसमें निकला है क्या नहीं निकला है, एसआई क्या रिपोर्ट अपना लगाई है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे सनातनी जो है वो भी जाने कि सच्चाई क्या थी, वो सच्चाई सामने आ जाती अगर जो है खुल के आता। खैर आएगा, आगे आएगा सामने सच्चाई। कब तक ये छुपा के हमारे सच को रखेंगे, कब तक हमारे दम के साथ खिलवाड़ करेंगे? क्यों हम अपनी सच्चाई को छुपा के रखे, और बंद जो लिफाफा दिया गया वो ओपन क्यों नहीं दिया गया, सामने आए ना कि इसमें क्या सच्चाई है, पब्लिक में भी साक्ष को आना चाहिए खुलकर। रिपोर्ट बंद लिफाफे में दी गई है, लिहाजा अंदर क्या है ये बाहर नहीं आया, लेकिन सर्वे टीम ने अंदर जाकर जो जांच की उसमें बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं जिससे मंदिर होने के सबूत मिलते हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने की मांग की है। कई एक आपत्तियां आई है, सोशल में रखा जाए अथवा न रखा जाए, उसे जनमानस में भेजा जाए या क्या किया जाए, इस पर सभी के अपने अपने विचार है, सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं, और उन विचारों के साथ कोर्ट ने यह कहा कि हम सबको देखने के बाद, और कोर्ट की माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो भी इसमें पहले का कुछ भी वगैरह है उसको देख लेंगे, उसके बाद 21 तारीख को उसको देखने के बाद एक निश्चित आदेश पाएंगे। कोर्ट के आदेश पर इस साल 24 जुलाई को एएसआई ने सर्वे का काम शुरू किया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस वजह से सर्वे में देरी हुई। दोबारा सर्वे का काम 4 अगस्त को शुरू हुआ था, जो 5 सितंबर तक चला था।